हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज का जो टॉपिक है उसमें बताया गया है हाउ टू मेक होम मेड बेबी सेरेलेक एट होम। ये उन बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर दिया या जो सॉलिड आप उनको प्योरी फॉर्म में दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये होम मेड है विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, कोई इंजेक्शन वगैरह किसी तरह की कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपके घर में अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके घर में ही अपने हाथों से पूरी स्वच्छता और हाइजीन को मेंटेन करते हुए बना सकते हैं। और जो हम कहते हैं ना एक पावर पैक नहीं, ये वो है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ थाली में लिया है मूंग दाल, यहाँ पर ये 2.5 चम्मच है, ये 2 चम्मच के लगभग अरहर दाल, ये चना दाल 2 चम्मच, थोड़े से बादाम और काजू और 1 मुट्ठी चावल। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब मैंने इसको एक कंटेनर में ले लिया है सारी दाल और सब कुछ मिक्स करके, अब इसे हम वॉश करेंगे। इसको अच्छे से पानी डाल के इसमें 2-3 बार इसको धो लेंगे सारी दालों को, ताकि सारी गंदगी निकल जाए। 2 से 3 बार काफ़ी है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, अब दालों को धो करके मैंने धूप में रख दिया है ताकि सारी अच्छे से सूख जाए। ये मेरी सारी दाल और जो बादाम वगैरह हैं सब सूख गए हैं। और रहा सहा जो है, अब हम इस दाल को लेकर के तवे पे या कढ़ाई में आप उसको भूंजेंगे। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर रह गया होगा धूप की वजह से, जो नहीं एवेपोरेट हो पाया होगा, वो तवे में गर्म करने से ही उसको भूंजने पे हो जाएगा, सारा जो मॉइस्चर होगा एवेपोरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर और आँच उसको आप मीडियम रखिए ताकि जले ना, और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। इसमें से जब ये भुन जाएगा तो अच्छी सी खुशबू अपने आप आने लगेगी, तो उससे मालूम चल जाएगा कि हाँ आपका जो दाल है जो अच्छे से भुन गई है। आप इसको निकाल करके तवे के ऊपर से एक थाली में ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको एक मिक्सर जार में लेकर के पीस लेंगे। बिल्कुल थिन पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बढ़िया है जिन्होंने सॉलिड्स लेना स्टार्ट किया है या प्यूरीज वगैरह लेते हैं, तो प्यूरी फॉर्म में इसमें एक दाना रह गया है बादाम का, आप ये देखिए पाउडर। इसमें अच्छे से आप इसको तड़का लगा के हींग जीरे का अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितनी इजी है रेसिपी से बनाना। इसकी खास बात यह है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे घर में ही मौजूद हैं, आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हाथों से बना रहे हैं, तो किसी तरह की कोई मिलावट का भी कोई डर नहीं है। सब कुछ घर में ही मौजूद है, न्यूट्रिशियस भी है, एक पूरा पावर पैक है, न्यूट्रिशियस डाइट जो बोलते हैं वो आपके बच्चे को इससे मिलेगी, और किसी तरह की कोई मिलावट का भी कोई डर नहीं है, सेफ़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको वीकली या पीरियोडिकली इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, तो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी आप निकालिए और अपने बच्चे के लिए तड़का लगा के उसे उबाल के अच्छे से अपने बच्चे को दीजिए। और इससे अच्छा मेरे ख्याल से बाहर की चीज़ें या सैलक आप ला कर देते हैं उससे तो बेहतर ये है कि आप नज़रों के सामने ही बन रही है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, हेल्दी भी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।